आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 सॉल्युबिलिटी का आगे के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS क्वेश्चन नंबर 27
US in mole per liter. अब ये बराबर हो गया अंडर रूट 6 इनटू 10 पावर माइनस 16 मोल पर लीटर हो गया। इसको देख लीजिए आप लोग, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइड। तो M1 कितना हो गया, MCH3CN हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 450 ग्राम, और M2 यानी कि MC9HFO4 ये हो गया 6.5 ग्राम। तो M टोटल कितना हो गया, M1 प्लस M2
एसीटोनाइट्राइल यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा और एस्पिरिन C9H8O4 यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा। टोटल मास हमने निकाला, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन हो गया और ये एसीटोनाइट्राइल हो गया। देख लीजिए आप लोग इसे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है नैलोरफीन C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फीन, इज यूज्ड combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalodrine generally calculate the mass of 1.5 × 10⁻³ molar aqueous solution required for the above dose. यही क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि मॉर्फीन यानी कि अफीम की लत जिसे लगती है उस लत को छुड़ाने के लिए उसी मॉर्फीन की तरह का एक ड्रग होता है ना, यूज कराया जाता है नैलोरफीन, जिसको लेने के बाद लेने वाले को लगता है कि वह मॉर्फीन ही ले रहा है, लेकिन मॉर्फीन जितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मॉर्फीन से होने वाला प्रॉब्लम इस नैलोरफीन के लेने के बाद नहीं होता है। आफ्टर ऑल ड्रग तो है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखाएगा, वो अलग होता है और फिर वो मेडिसिनल बात हो जाती है। तो कहा जाता है कि हिसाब से लिया जाता है उसको, 1.5 मिलीग्राम डोज लेना होता है उसे।
ठीक है, जनरली जो डोज दिया जाता है वो 1.5 मिलीग्राम का होता है। तो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इनटू 10 पावर माइनस 3 मोल मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डोज। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिए हुए है, उस कंसंट्रेशन के आधार पर आपको निकालना होगा कि किस तरह से इसके लिए कितने सॉल्यूशन के मास की जरूरत पड़ेगी। मतलब इतना जो है, इतना खुराक का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, इस कंसंट्रेशन के आधार पर आपको पता लगाना है कि इसके लिए कितने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। यही बात है। तो थोड़ा सा है लंबा, क्लास कर रहे हैं।
यही हो गया। तो कहता है कि 1.5 लीटर बाय माइनस 3 एम एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हो जाएगा कि 1.5 लीटर बाय माइनस 3 मोल नैलोरिन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दैट इज वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया आपका 1.5 लीटर बाय माइनस 3 मोल हो गया। अब इसका मोलर मास हम निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, हम लोग जानते हैं फार्मूला से। तो m2 यानी कि मास ऑफ नैलोरिन कितना हो जाएगा, तो मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए और हो गया सॉल्वेंट है 1 किलोग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो सवाल है कि 0.453 ग्राम नैलोरिन प्रेजेंट है 1000.453 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 1.5 इनटू 10 टू द माइनस 3 ग्राम नैलोरिन कितना प्रेजेंट होगा, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और निकल जाएगा। देखिए इसे
क्वेश्चन जरा देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी C6H5C डबल एच में दिए किसी का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। तो वॉल्यूम है आपका 250 मिलीलीटर यानी 0.25 लीटर, मोलरिटी आपका 0.15 कैपिटल एम यानी कि मोलर मोल पर लीटर। ये पूछ रहा है M2 कितना होगा जबकि कैपिटल M2 यानी कि मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड ये है 122 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड M2 बाय कैपिटल M2 फार्मूला होता है तो M2 बाय 122 मोल हो गया। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है यानी M2 बाय V होता है और M2 के जगह पर हम बैठाएंगे M2 बाय कैपिटल M2 को और कैपिटल M2 का वैल्यू तो दिया हुआ है तो यहां से M2 यदि हमें निकालना होगा तो मोलरिटी इनटू कैपिटल M2 इनटू V वैल्यू पुट करेंगे सबका और कटफट करके 4.575 आ जाएगा। ये ओवर हुआ और फिर इसके आगे का चीज नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।